बलौदाबाजार हिंसा में कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिन भर के हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की है। इस दौरान पुलिस की समर्थकों के साथ जमकर झड़प भी हुई। आपको बता दें कि बलौदाबाजार पुलिस भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के घर पहुंची थी। उनके घर के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद रही। पहले पुलिस को अंदर नहीं जाने दिया गया। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज भी उनके आवास पर पहुंचे। दीपक बैज, अरुण वोरा समेत कई नेताओं के आने के बाद पुलिस अफसरों के करीब 2 से 3 घंटे बातचीत चली, जिसके बाद पुलिस ने देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया है और बलौदाबाजार लेकर रवाना हो चुकी है। जनता पार्टी के नेता मन से लेके पूरे कार्यक्रम में शामिल थे। भोजन व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के नेता किए, टेंट का व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के नेता किए, उनके लिए एक नोटिस भी नहीं और हमारे विधायकों पर नोटिस टू नोटिस। लेकिन निश्चित रूप से ये होगी, सच्चाई की जीत होगी और न्याय मिलेगा और निश्चित रूप से हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और पूरी कांग्रेस पार्टी देवेंद्र यादव के साथ खड़ी है। तो कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस अपना काम कर रही है।